अप्लाइड मैथमेटिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन को हाफ किया था, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 इनटू x प्लस 2 इनटू x माइनस 1 होल स्क्वायर। 2x² प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 इनटू x प्लस 2 इनटू x माइनस 1 होल स्क्वायर इनटू dx। नेक्स्ट हम इसको फर्दर स्प्लिट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, 2x² प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 इनटू x प्लस 2 इनटू x माइनस 1 होल स्क्वायर इनटू dx। तो पार्शियल फ्रैक्शन में इसको स्प्लिट करने के लिए हम टर्म्स यूज करते हैं a b c से, हम इसको क्या करते हैं स्प्लिट करते हैं। तो जब हम स्प्लिट करते हैं तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का साइन यहां से रिमूव कर देते हैं। तो बाय ऑन स्प्लिटिंग वी गेट a डिवाइड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइड बाय x प्लस 2 प्लस c डिवाइड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर। को हम फर्दर स्प्लिट करते हैं x माइनस 1 की पावर 1 प्लस d डिवाइड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट हम स्टेप में क्या करेंगे, इन सभी टर्म्स का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो हमारी वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1 इनटू x प्लस 2 इनटू x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, a इनटू a के नीचे टर्म है हमारी x प्लस 1, तो हम बाकी दो टर्म्स यहां पे राइट करेंगे व्हिच इज इक्वल टू x प्लस 2 इनटू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b इनटू, अब हमारे पास नीचे टर्म है x प्लस 2 और बाकी दो टर्म्स हम यहां राइट करेंगे व्हिच इज इक्वल टू x प्लस 1 इनटू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c इनटू, c के नीचे टर्म है x माइनस 1, इसके ऊपर पावर 2 है बट यहां पे क्या है पावर 1। तो हम ये तीनों टर्म्स राइट करेंगे x प्लस 1 इनटू x प्लस 2 इनटू x माइनस 1 प्लस d इनटू, d के साथ टर्म है x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो इसमें बाकी दो टर्म्स राइट करेंगे व्हिच इज इक्वल टू x प्लस 1 इनटू x प्लस 2। और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म है 2x² प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 इनटू x प्लस 2 इनटू x माइनस 1 होल स्क्वायर। सो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर वाली टर्म कैंसिल, सो हमारे पास टर्म आएगी 2x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू a इनटू x प्लस 2 इनटू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b इनटू x प्लस 1 इनटू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c इनटू x प्लस 1 इनटू x प्लस 2 इनटू x माइनस 1 प्लस d इनटू x प्लस 1 इनटू x प्लस 2। तो ये हमारी हो गई, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज पुट, इसमें हम पहले पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू माइनस 2, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, फर्स्टली इसमें हम पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू माइनस 2, देन वी गेट x की जगह हम माइनस 2 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू, द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू माइनस 2। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 2। तो हम इस इक्वेशंस में पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसमें हम क्या करेंगे पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0
डी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, तो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बी की। सो नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। इसमें हम पुट करेंगे एक्स की जगह माइनस टू होल स्क्वायर प्लस माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो प्लस बी इंटू माइनस टू प्लस वन इंटू माइनस टू माइनस वन होल स्क्वायर। तो इसमें हमने क्या किया, माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन, माइनस टू माइनस वन इज माइनस थ्री। सो नाउ आर आंसर विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ बी शुड बी इक्वल टू माइनस सेवन बाय नाइन। तो यहां से बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस सेवन बाय नाइन। ऐसे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए की, सी की और डी की। सो नेक्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ The value of B should be equal to minus 7 by 9. तो यहां से B की वैल्यू कितनी आई है, minus 7 by 9. So next अब हम डिस्कस करेंगे जब हम x की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, पुट x plus 1 is equal to 0. The value of x should be equal to minus 1. तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, minus 1. अब अगेन हम पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो हम एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस वन होल स्क्वायर माइनस वन प्लस वन। तब इसमें हम देखेंगे, इसमें अगर हम माइनस वन पुट करेंगे, माइनस वन प्लस वन इज जीरो, माइनस वन प्लस वन इज जीरो, एंड दैट वैल्यू डी शुड ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो। तो इससे हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ओनली ए की। सो द वैल्यू ऑफ ए शुड बी इक्वल टू ए इंटू माइनस वन प्लस टू इंटू माइनस वन होल स्क्वायर। वैल्यू ऑफ ए शुड बी इक्वल टू 1 बाय 2। तो इसको हमने मैथमेटिकली क्या है, सॉल्व किया है, जिसकी वैल्यू ए की वैल्यू कितनी आई, दैट शुड बी इक्वल टू 1 बाय 2 एंड द वैल्यू ऑफ बी शुड बी इक्वल टू माइनस 7 बाय 9। द वैल्यू ऑफ ए शुड बी इक्वल टू 1 बाय 2, द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस 7 बाय 9। तो इसी तरह हम सी और डी की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। अब हम पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से हमने पुट किया x plus 1 is equal to 0 और x plus 2 is equal to 0। Now we will put the value of x minus 1 is equal to 0, then the value of x should be equal to 1. Put x minus 1 is equal to 0. Now the value of x should be equal to 1. So put this value of x in equation first, we get put this value in equation first, we get तो x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, इसमें अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, इसमें भी 1 माइनस 1, ये भी 0 हो जाएगी टर्म और ये भी 0 हो जाएगी। तो हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, d की। So 0 plus 0 plus 0, the value of D will be equal to 3. अब हम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे और इसको फर्दर सोल्व करेंगे, इसके स्क्वायर्स ओपन करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हम लेंगे 2x square plus x plus 1
इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस टू, इसको हम ओपन करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन। अगेन अब ये ए माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे दैट शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस सी इंटू एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। वैल्यू है 1/2, बी की वैल्यू है
by 9 plus c हमने find out करनी है। तो इसका LCM लेंगे तो कितना आएगा 18, 9 minus 14 plus c। So the value of c should be equal to 5 by 18। यहाँ से c की value कितनी आएगी? 5 by 18।
क्वेश्चन भी हम इसी मेथड से करेंगे, सेम ए बी सी डी की वैल्यूज निकालेंगे और इसमें से हम इंटीग्रेट करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। हमें b की वैल्यू पता है, दैट शुड बी इक्वल टू 3 बाय 2
plus c is equal to 0. So the value of c should be equal to minus c by 2. तो यहाँ से c की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? That should be equal to minus c by 2. तो ये तीनों वैल्यूज हम यूज करके इसका इंटीग्रेशन सोल्व करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. तो हमारी वैल्यू क्या होगी? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थ्री डिवाइड बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ ए शुड बी इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू. माइनस थ्री बाय टू हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है जिसको हम बाहर लिखेंगे. सो दैट शुड बी इक्वल टू वन डिवाइड बाय एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स. अब हमारे पास टर्म है बी एक्स प्लस सी, तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे 3 by 2 x minus 3 by 2 x minus 3 by 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन इनटू डीएक्स. तो ये हमारी क्या हो जाएगी? सिंपली माइनस 3 बाय 2 इनटू लॉग एक्स प्लस वन. और नीचे हमारे पास टर्म है, नेक्स्ट हमारे पास टर्म है, इसको हम सेपरेट करके लिखेंगे प्लस 3 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाय 2 इंटू 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू डीएक्स. सो आवर वैल्यू शुड बी इक्वल टू माइनस 3 बाय 2 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 3 बाय 2. अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल बी इक्वल टू माइनस 3 बाय 2 टैन इनवर्स एक्स. 3 बाय 2 टैन इनवर्स एक्स. और इसका हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 3 बाय 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1. 3 बाय 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा? लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1. और इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे माइनस 3 बाय 2 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू डीएक्स शुड बी इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स प्लस सी. टैन इनवर्स एक्स प्लस सी. सो ये हमारा क्या हो गया? सॉल्यूशन. 3 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 3 बाय 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 बाय 2 टैन इनवर्स एक्स प्लस सी. तो यहाँ ही आपका चैप्टर इंटीग्रल